नमस्कार, आप सभी दोस्तों का हम अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी दाल की रेसिपी, जो जिसे हम बनाएंगे मिक्स दालों से, कई दालें मिला करके। आपने कई बार घर में दाल बनाई होगी, मगर कई बार ये भी महसूस किया होगा कि ढाबे पर जो दाल बनती है उसका स्वाद कुछ अलग और निराला होता है। इसकी वजह ये होती है कि उसमें डाले जाने वाला जो तड़का होता है वो अलग तरह का होता है। अगर आप भी अपने घर पर ढाबे जैसा स्वाद चाहते हैं तो अपने घर की दाल में ढाबे जैसा वाला तड़का लगाएं, आपकी दाल का स्वाद दुगना हो जाएगा और ये सबको बेहद पसंद भी आएगा। तो आइए जानते हैं घर पर ढाबा स्टाइल दाल तड़का बनाने का क्या तरीका है। सबसे पहले जान लेते हैं उसके लिए ज़रूरी सामग्री। इसके लिए हमें चाहिए होगी मूंग दाल आधा कप, उड़द की दाल आधा कप, अरहर दाल 2 बड़े चम्मच और हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, हींग 1/4 छोटा चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार से और पानी ज़रूरत के हिसाब से, 1 प्याज मीडियम बारीक कटी हुई, 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च 2 बारीक कटी हुई। आप तीखा पसंद करते हैं तो हरी मिर्च बढ़ा सकते हैं और कम पसंद करते हैं तो आप इसे कम कर सकते हैं, और लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच या अपने स्वाद के अनुसार, धनिया पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, गरम मसाला 1/2 छोटा चम्मच, देसी घी 2 बड़े चम्मच, अदरक और लहसुन कुचला हुआ 2 छोटे चम्मच, जीरा 1/2 छोटा चम्मच, सूखी लाल मिर्च 1, कसूरी मेथी 1/2 छोटा चम्मच, ताजी हरी धनिया बारीक कटी हुई 1 बड़े चम्मच। ये हो गई दाल तड़का की सामग्री। और अब जानते हैं इसे बनाना कैसे है। तो सबसे पहले आप तीनों दालों को ले लें, उन्हें अच्छे से साफ करके धो लें। तीनों दालों को साफ करके फिर एक प्रेशर कुकर में पानी के साथ उसमें नमक और हींग हल्दी डालें और इसे 2 सीटी लगा करके उबाल लें। अब एक तरफ आप एक तड़का पैन ले लें और उसमें घी गरम करें, उसमें जीरा और लाल खड़ी मिर्च डाल करके चटकाएं। इसके बाद इसमें हरी मिर्च और प्याज डाल करके 1 से 2 मिनट तक भूनें। जब प्याज थोड़ा सा भून जाए तब इसमें अदरक और लहसुन कुचला हुआ डाल दें और फिर इसे भूनें। अब कटा टमाटर डालें और इसे तब तक भून लें, पका लें जब तक ये नरम ना हो जाए। इसके बाद इसमें धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और गरम मसाला पाउडर डालें और फिर इसे अच्छे से भूनें। इसके बाद इसमें दाल डालें और दाल डाल करके अच्छे से मिलाएं, 1-8 मिनट इसे पका लें। इसके बाद इसमें डालें कसूरी मेथी और अंत में हरी धनिया बारीक कटी हुई और थोड़ा सा देसी घी डालें। बस आपकी दाल तड़का तैयार हो गई है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। अब आप इसे गर्मा गर्म रोटी या चावल के साथ सर्व करें। दोस्तों, ये थी दाल तड़का ढाबा स्टाइल की रेसिपी, और ये कई दालों से मिलकर बनी है तो इसलिए ये पौष्टिक भी बहुत हो गई है। तो इसे ज़रूर ट्राई करें और हमें अब दें आज्ञा। आपसे शीघ्र मिलेंगे फिर किसी ऐसी ही नई पोस्ट के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।